हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। अभिषेक रावत मेरे सहयोगी है, जिन्होंने बीजेपी के दिल्ली से सांसद रमेश बिदूड़ी से बातचीत की है, वो क्या कह रहे हैं सुनिए। आज दिल्ली में मतदान है और हमारे साथ इस समय मौजूद हैं दक्षिण दिल्ली से सांसद रमेश बिदूड़ी जी, जो यहाँ तुगलकाबाद विधानसभा में अपना मतदान के लिए जा रहे हैं। सर, यहाँ पर आप पहले विधायक भी रह चुके हैं 3 बार, इस बार आपके भतीजे विक्रम यहाँ से उम्मीदवार हैं, आपको क्या उम्मीद है? स्वाभाविक रूप से लोग दिल्ली की विकास के लिए, दिल्ली में शांति स्थापित रखने के लिए वोट डालेंगे, भारतीय जनता पार्टी को वोट डालेंगे। मोदी जी के ऊपर लोगों को विश्वास है। केजरीवाल जी ने अपनी लोकप्रियता और अपनी विश्वसनीयता दोनों खोई है, किसी भी क्षेत्र में कोई काम नहीं किया है, तो स्वाभाविक है कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। सर, पिछली बार भी विक्रम यहाँ से उम्मीदवार थे लेकिन वो नहीं जीत पाए थे, आपने यहाँ पे जीत हासिल करी थी, इस बार आपका ये कहना है कि उनका जो मुद्दा है वो विकास है और दिल्ली की जनता की भलाई है, लेकिन बीजेपी जो है धर्म के आधार पर और शाहीनबाग के आधार पर वोट लड़ रही है, उसको आप कहाँ तक सही समझ? शाहीनबाग बैठाया मनीष सिसोदिया ने, शाहीनबाग के आधार पर हम नहीं लड़ रही। अगर उनको डर है शाहीनबाग के आधार पर दिल्ली चुनाव लड़ रही है तो उनको उठा देना चाहिए, डिप्टी सीएम को नहीं कहना चाहिए मैं उनके साथ बैठा हूँ। तो दिल्ली में दंगाइयों को शांत करने के लिए लोगों को वोट करनी है, उत्तर प्रदेश की तर्ज पर, कि दंगाइयों को कौन रोक सकते हैं और कौन उनको शह देते हैं। दिल्ली के चौमुखी विकास के लिए जो केंद्र की योजना है दिल्ली में भी लागू हो, आयुष्मान भारत जैसी योजना जो गरीबों को 5 लाख तक का फ्री इलाज दे, गरीब परिवारों को, वो रोक रखें केजरीवाल साहब जैसे लोगों ने, तो उसके लिए लोग दिल्ली को वोट डालें। न्यूज चैनल इतिहास की सबसे बड़ी सीरीज प्रधानमंत्री सीरीज 2 शनिवार रात 10 बजे।